कटिंग में वेक एंगल के अलावा हम क्लियरेंस एंगल या लिप एंगल किसे कहते हैं। आपका क्लियरेंस एंगल वर्क पीस, ये वर्क पीस है और टूल, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, आपका क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस या रिलीफ एंगल, ठीक है। इसको हम लोग 5 से 15 डिग्री तक रख सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये फ्रिक्शन को कम कर सकता है और जो भी वियर्स हैं उनको भी रिड्यूस कर देता है। अधिक या कम क्लियरेंस दे दिया जाए तो पहली चीज़ क्या है कि अगर कम दिया जाएगा क्लियरेंस तो इन दोनों का कांटेक्ट बढ़ जाएगा, कांटेक्ट बढ़ने से रबिंग होगी और टूल में अधिक या हीट जनरेट होगी जिससे टूल जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसका ये जो फ्लैंक वाला पार्ट है, ये नीचे वाले को फ्लैंक, ये फेस है, ये फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है, तो फ्लैंक वाला पोर्शन जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब ये लिप एंगल क्या होता है, ये जो टूल का जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, ये टूल का जो एंगल है टिप का, उसको ही हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, लिप एंगल, ठीक है। ये आपका है लिप एंगल। अब लिप एंगल का क्या काम है, लिप एंगल जितना ज़्यादा अधिक होगा उतनी ही टूल लाइफ अधिक होगी, कम लिप एंगल है तो टूल लाइफ कम होती है, जिससे अधिक अगर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होता है, अगर अधिक ये आपकी लिप एंगल है तो स्ट्रेंथ भी अधिक मिलेगी टूल को, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेक एंगल। टाइप्स ऑफ रेक एंगल में देखो, ये डायग्राम है मेटल कटिंग का, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो इसमें आपको ये पता है कि टाइप्स ऑफ रेक एंगल 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेक एंगल। अब पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल का मतलब ये है, ये एक पॉजिटिव रेक एंगल है, ये एक टिप से रिफरेंस प्लेन हमने कंसीडर किया और ये इस तरह झुका हुआ है जो कि कोण अल्फा बना रहा है एंगल, ठीक है। यही आपका क्या है, ये जितना भी एंगल बना रहा है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेक में आ गया, ठीक है। अब पहली चीज क्या है कि अगर आप पॉजिटिव रेक एंगल लेते हैं तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, वहाँ पर कटिंग फोर्सेज तथा पावर कंजम्पशन को क्या कर देता है, कम करता है, पावर कंजम्पशन कम होता है, ठीक है, कटिंग टेम्परेचर भी कम होता है और इसमें कंटिन्यूस चिप फॉर्म होती है डक्टाइल मटेरियल में। इसमें आपका बिल्ट अप एजेस भी कम हो जाते हैं, बिल्ट अप एजेस हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जो अधिक स्पीड्स में आप टूल मूव करता है तो क्या होता है, मटेरियल इसमें टूट के या हीट के कारण इस पर टूल पर चिपक जाता है, तो वो एक अलग अलग एजेस फॉर्म कर लेती हैं, उनको ही हम बिल्ट अप एजेस बोलते हैं। अब पॉजिटिव रेक एंगल से मशीनिंग सर्फेस अच्छा मिलता है, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ करते हैं, कटिंग टूल मटेरियल जो होता है आपका HSS के लिए, ठीक है, वर्क पीस, जहाँ पे वर्क पीस की स्ट्रेंथ कम हो वहाँ पे यूज़ करेंगे। लो पावर मशीन में कटिंग फोर्सेस कम लगते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ करते हैं। लो कटिंग स्पीड के लिए भी हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ करते हैं। इस पॉजिटिव रेक एंगल में आपका क्या होता है, टेंशन तथा कंप्रेशन दोनों ही लगते हैं, ठीक है। माना कि ये जो हमारा क्या है, ये हमने पॉजिटिव रेक एंगल टूल को दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव रेक एंगल है और ये आपका क्या हो गया बीच का, ये आपका हो गया लिप एंगल, ये लिप एंगल है, ठीक है, लिप एंगल है। अब क्या करना है कि लिप एंगल कम है तो इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो गई टूल की, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टूल की क्या है, टिप टूट जाएगी। अगर हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं, तो टर्निंग में ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है वर्कपीस तो यहाँ से चिप, इसके ऊपर से टू, यहाँ से एक फेस से ऊपर से निकल जाएंगी और यहाँ से क्या होगा, इसका इस पे जो ये प्रेशर लगेगा यानी कि फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स के कारण, अधिक फोर्स के कारण क्या होगा, अगर तो इसमें फोर्स, अधिक फोर्स लगा देंगे तो ये टूल टिप टूट जाएगी, ठीक है, तो टूल लाइफ कम हो जाएगी। और टूल टिप जो क्या होता है, वो हमारा वीक होता है और पुरानी मशीनों में के लिए हम पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेगेटिव रेक एंगल की। नेगेटिव रेक एंगल में क्या होता है कि टूल का जो टिप का डायमीटर होता है वो अधिक होता है। टूल के टिप का डायमीटर अधिक का मतलब क्या है, माना कि ये वर्क पीस है, ठीक, ये वर्क पीस ऐसे है और यहाँ पे आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करना है, ये आपका रेफरेंस प्लेन है। तो जब आपका ये रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से इतना ऐसे टूल का टिप बनाई जाती है और ये जो है इधर का पोर्शन पॉजिटिव था, ये आपका क्या है, नेगेटिव रेक, ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव रेक एंगल, ठीक है। अब इससे क्या है, यहाँ की टिप का देख रहे हो डाया अधिक है, ठीक है, तो ये अधिक स्पीड पे काम कर सकता है, अधिक स्पीड के काम करने से साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है कंपैरिजन देन पॉजिटिव रेक एंगल के। अब ये जस्ट अपोजिट
है आपका पॉजिटिव ब्रेक एंगल्स का। जो जो पॉजिटिव ब्रेक एंगल के टूल्स से हम लोग काम नहीं कर सकते, वो नेगेटिव ब्रेक एंगल्स के टूल्स से हम लोग काम कर सकते हैं। अब मेनली क्या होता है कि इस ये थर्मली तथा मैकेनिकली दोनों ही के लिए ही अच्छा होता है। थर्मल मतलब जो आप कटिंग कर रहा है तो उसमें हीटिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, मैकेनिकली यानी कि टूल का डायमीटर अधिक है इसलिए क्या करता है अधिक स्पीड पे काम कर सकता है। अधिक स्पीड अगर हमने इसमें यूज़ की है, अधिक स्पीड यूज़ कर सकते हैं और क्या होता है इसमें, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। टूल लाइफ लेकिन इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग टूल टिप होती है, हार्ड मटेरियल क्या कि आप मशीनिंग कर सकते हैं, टूल मटेरियल जो इसमें यूज़ करते हैं टूल वो सेरेमिक और कार्बाइड होता है। कार्बाइड इसलिए मिलाया जाता है कि बाकी लोड को तो वो चाय कर लेता है, लेकिन अचानक से कोई इम्पैक्ट लोड होगा तो उसको सहन करने के लिए आप कार्बाइड इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल का मतलब ये होता है कि रिफरेंस प्लेन, ये जो आपका रिफरेंस प्लेन है इससे बिल्कुल इसके पास ऐसे कोई भी एंगल नहीं दिया, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया आपका जीरो रैक एंगल। जीरो रैक एंगल का मतलब क्या है कि कोई एंगल नहीं प्रोवाइड किया जाता है टूल और चिप के बीच में। पहली चीज़ क्या है, सिंपली है, सिंपल है, ठीक है, सिंपली आप इसको ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, आप कॉस्ट कम पड़ेगी साथ साथ इसको ब्रास और कास्ट आयरन की कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और इसमें लेकिन इसके ड्रॉबैक ये हैं कि अधिक कांटेक्ट होने के कारण क्रैटर वियर तथा बी यू ई इंक्रीज़ हो जाती है और वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है।